चार गोसाई है और मैं इंडिया का सबसे मोस्ट आर्टिस्ट मैन है। हेलो एवरीवन, तो आज हम मीटअप के लिए आए हुए थे यहाँ पे डियर पार्क पे और प्रगत भाई मेरे साथ है। सेफ्टी फर्स्ट है, अभी तो मास्क पहनने का लेट चीज़ है। सच्ची में हीरो ने यहाँ पे आपको क्या लगा? कुछ नहीं, मुझे नहीं पता था। वाओ, मुझे देखने भाई हीरो ने बार देंगे। सही में यार ऑसम है, इतनी बात से पहली बार देखी। कैसा लगा डियर पार्क? बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम देखा मैंने डियर, इसलिए डियर पार्क बोलते हैं इसको। चलो लेट्स गो। तो बहुत सारे हैं, आपको क्या लगा दो चार ही होंगे? उड़ता नहीं है यहाँ से, कैसे उड़ेंगे? जंगल है ये सारा, जंगल से उड़ के कहाँ जाएंगे? उड़ते हैं ना, थोड़ा थोड़ा जाते हैं, बस इधर ही आ जाते हैं वापस लौट। आप बताओ कैसा है अभी माहौल? सही है, ये देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, काफी क्राउडेड है एरिया सारा ना। अरे यार वो बनाए काम करें, वो बनाए जो आपको वीडियो देते हैं फॉरवर्ड करते हुए मैं आ रहा हूं यहां से। क्या वो वाला वो बनाएंगे अभी अभी यार, जो पहले काम है वो कर लेना। आ जाओ जल्दी जल्दी। लेक इधर बनी है, लेक। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं डियर पार्क, ठीक है। तो भाई को बहुत सारे हिरण दिखाए हमने यहाँ पे। तो दिल्ली में रहने के बाद भाई ने पहली बार देखे हैं हिरण, है ना भाई? इतने पास से, इतने पास से। आज भाई का कुछ मीटअप सा हो रहा है, देखते हैं, बाकी आपको दिखाते हैं। सिड भाई सुपर एक्साइटेड, काफ़ी क्राउड है आज, बहुत ज़्यादा क्राउड है। वो रही सामने हट भाई, सिड रेडी। हाँ जी, चैनल है भाई टैटू कलेक्टर सिद्धार्थ, एक सब्सक्राइबर बढ़ गया। ये वाले भाई का चैनल है भाई, इस भाई के लिए शूट कर रहे हैं। एक सब्सक्राइबर दो बढ़ गए। ये वाले भाई को मैंने मौके पे बताया था, ये भाई फिर भी पहुंच गए। ओके, और आपको सिड भाई से मिलके कैसा लगा? ये सिड भाई को मिले हो आज? ढंग से मिलूंगा इनसे, ढंग से मिलना है। जितना मिले हो उसका बता दो एक्सपीरियंस। यार क्या बताऊं, तू गलत गलत फीड मत करवा, गलत फीड नहीं करवाना। चलो तब रहे भाई, भाई बोल रहे हैं मैरिड नहीं है तभी टैटू है। अगर मैरिड होते तो भी टैटू बना देगी। आई यू आल्सो टैटू लवर? नो नो ब्रो, घर वाले मारेंगे, घर वाले मारेंगे भाई को। भाई को भेज रहे हैं हम इसके ऊपर। हाँ जी, मेरे पास था। क्या क्या नाम था आपका? केशव। मेरा नाम सिद्धार्थ गोसाई है और मैं इंडिया का सबसे मोस्ट आर्टिस्ट नो फर्स्ट शुरू से बताने दो, बता हमें। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। जब मैं 16 या 17 की एज में था तो मेरा ड्रीम था कि मैं इंडिया लेवल पर कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरे पास ऐसे कुछ था नहीं कि मुझे करना क्या है, तो फिर मैंने जॉब वगैरह स्टार्ट करी क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल बैठ था। मैंने ये सब पढ़ाई बहुत सिखाया जाता है और मुझे आर्ट्स वगैरह लाइन की काफ़ी सारी चीज़ें पसंद थी। तो मैंने जॉब वगैरह डिप्पे वगैरह में स्टार्ट करी 17-18 में, पढ़ाई छोड़ी सिलाई करके। तो उस टाइम पर मैंने जॉब को सीरियसली नहीं लिया, जॉब करी छोड़ दिया, करी छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम पर स्टार्टिंग थी। तो उस टाइम पे मेरे डैड मतलब जिनको जो मेरे लाइफ में सबसे बड़े मोटिवेटर रहे, मैं उनकी वजह से आज मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो हमारा स्टॉल होता था, मतलब पापा नीडी चलाते थे, तो पापा ने बोला कि तेरे को वैल्यूज़ नहीं है तो चल तू मेरे साथ कर जॉब वगैरह कर। तो मैंने कहा ठीक है,
डेली के मिलते थे और पापा के साथ रेडी खींच के ले जानी होती थी, तीन पैदल की डेढ़ क्विंटल की रेडी होती थी। तो सुबह तो चार बजे में उठ जाता था और उसके बाद क्या होता था कि लाइक हमें 5:30 बजे पहुँचना होता था। तो फिर जाते समय तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट आते टाइम इतनी धूप होती थी और डेढ़ क्विंटल की रेडी होती और हमें रोड साइड पर बर्तन वगैरह भी मांजे। और ये बहुत अच्छा है कि मैंने ये सब चीज़ें पहले ही कर ली हैं क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे को बाद में भी काम आई हैं। तो उस टाइम पे जब मैं शॉल वगैरह खींचता था तो तब मेरे को लगता था कि नहीं ये नहीं, मुझे कुछ और करना है। मतलब ठीक है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में और हर काम छोटा नहीं होता, बट आपको खुद से पता होता है कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। मेहनत एक अलग चीज़ होगी और आप क्या अच्छा करते तो वो एक अलग चीज़ होगी। तो क्या हुआ कि फिर मैंने धीरे 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 वीडियो पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। टैटू लेवल में था उससे पहले मैं प्रिंट मॉडलिंग के लिए मैंने ट्राई किया जब मैं ऐसा स्टॉल वगैरह पे था कि मुझे मॉडलिंग करनी ही हो। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने फर्स्ट टैटू जब अपनी लाइफ में कराया था अपने कज़न को देख के कराया था, 20 की एज में मैंने फर्स्ट टैटू कराया था। तो उस टैटू कराने के बाद मैं कम्युनिटी से ऐड हुआ जैसे कि आप अभी हो, तो उस कम्युनिटी में ऐड होने के बाद फैमिली को थोड़ा समझाने में थोड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि लाइफ में ऐसा लगा कि फैमिली वाले मेरे फील्ड के थे ही नहीं। तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही उनसे कि यार तुम लोग मतलब मेरे को कुछ मत बोलो, तो उन्होंने बोला और फैमिली वाले मुझे आज भी बोलते हैं। मैंने फेस टैटू कराया लास्ट टाइम, मुझे सुनाई है उन्होंने, मैं रोने लगी थी, फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं यार ये मेरी हैप्पी नहीं है। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि धीरे 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 मैंने दूसरा तरीका बनाया, एक दो तरीके होते हैं लाइफ में अपने फैमिली वालों को मनाने। एक होता है कि यार आप इतनी अच्छी जॉब कर लो पैसे ले लो वो शांत हो जाए, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट नहीं सारी। तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया कि मैं अपने शौक भी पूरे कर लूँगा घर वालों की बात भी मान करूँगा। तो मैं स्टॉल में काम करके अपने शौक भी पूरे करने लगे धीरे 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 करके। सेकंड वाले तरीके में मुझे बहुत लंबा टाइम लगा, 3 साल लगे, हाँ उनको सक्सेस भी थी तो वो धीरे धीरे मानने लगे। तो उस सक्सेस के बीच में भी ना मैंने लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करी है कि ठीक है आज मेरे पास स्टोरीज है। मेरा फर्स्ट इंसिडेंट था कि जब मेरा 2019 में कन्वेंशन था तो उससे मैंने 10 दिन पहले ने टैटू कटाया था, टाइम पे 25 घंटे का था कंटिन्यू, ठीक है। तो उसको कराने के बाद ना 2 या 3 दिन बाद ना उसका इन्फेक्शन हो गया था और एक होता है कि यार इतने सारे टैटू मैंने करा लिए हैं तो यार मुझे कुछ नहीं हो सकता, मतलब एक था मैं डॉक्टर बन गया, मैं सर्च करने लग गया। तो वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो स्वेलिंग हो गई और उसमें पस भरने लगी, मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुआ। मैं उस टाइम पर रोता था रूम पर बैठ के और मैं चल के डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर के पास जाता तो वो मुझे बोलते कि यार ये क्यों करा रहे, बोलते यहाँ क्यों बोलते हैं। और लॉन्ग डैड के पास जाता तो मुझे उस टाइम पर बोलते उन्होंने करवाया ही नहीं सही चीज़ें। तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल की जैसे स्कूटी लगे वहाँ पे, तो डॉक्टर से जैसे मिला उन्होंने बोला कि तुम्हें इतने सारे करवाने नहीं चाहिए, तुम अपनी स्किन से क्यों गए, तो डॉक्टर यहाँ बोलेंगे। उसके बाद ये सीन हुआ कि जैसे ही मेरे को उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी रिकवरी हो गई है, तो 10 दिन बाद का फेस्टिवल था, एक और इवेंट था, हर साल हमारे इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो उस इवेंट में डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि आप टैटू नहीं कराओगे, अगर आप कराओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिसेंटली ना एक मेरे को कोलैबोरेशन के लिए मेरा ड्रीम था बैक पीस पे कि 3-4 लोग मिलकर एक आर्टवर्क करते हैं, कोलैबोरेशन होती है, तो उसके लिए मुझे ऑफर आया कि आपके टैटू कर रहे हैं। और मेरे उस टाइम पे पैर पे ना रिकवरी चल रही थी, उस टाइम पे ना मैं थोड़ी देर वहाँ पर खड़ा होने के बाद मैंने ये भी चीज़ सोची सीधा चल ठीक है अगर तुझे कुछ हो भी जा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट तो अपनी चीज़ करके तो जा रहा है ना। मैं वहाँ पर खड़ा रहा थोड़ी देर, फिर मैंने सोचा और मैंने उन आर्टिस्ट को बोल दिया हाँ ठीक है। उस टाइम मेरे पैर में भी पेन था बट बैक में जो चीज़ें हो रही थी ना वो 4 घंटे का सेशन था मेरा, बट वो चल रहा था और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, पेन तो वही लगा था पैर में, मना भी कर रहा था डॉक्टर ने, बट माइंड में था यार कि मैं कुछ करने के बाद ही जाऊँगा, एटलीस्ट मैं अपनी खुशी लेकर जाऊँगा ना शोर के साथ। तो वो पार्ट हुआ, उस पार्ट के बाद आर्टिस्ट लोगों ने मुझे मना कर दिया कि भाई आपको ज़्यादा पेन हो रहा है अब रुक जाओ। उसके बाद पैंडेमिक स्टार्ट हो गया था, सब लोग बंद हो गए थे, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। अब मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट सिटिंग कैसे करूँगा क्योंकि कन्वेंशन वगैरह तो होनी नहीं थी दिल्ली। तो मैंने क्या प्लान किया, जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ
तो मैंने आर्टिस्ट लोगों से बात किया, मैंने कहा मैं नेपाल आ रहा हूँ, वहाँ पे नेपाल बॉर्डर पे सिनोली पे पहुँच के उस टाइम पे चीन और नेपाल का कुछ चल रहा था, तो इंडियंस को अलाउ नहीं करते, तो मुझे पता नहीं था ना, आर्टिस्ट लोगों को पता था, उन्होंने तो बुला लिया मुझे। फिर उस टाइम पे खड़े होकर ना मैं वहाँ पे कम से कम 3 से 4 घंटे मैंने वेट किया, मैंने कहा मैं जाऊँगा, रात को जाऊँगा, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, इनके पैर पकड़ लूँगा, बट मैं जाऊँगा। फिर मैं अगर मैं यहाँ से अगर वापस चला गया तो मेरे अंदर जो मेरे खुद के है, मेरे खुद को जवाब देना पड़ता है, वो मैं ज़िंदगी भर रिग्रेट करूँगा, और मैं चाहता नहीं। मैंने कहा मैं अपने दिल लेने की कोशिश करूँगा। तो फिर मैंने 4-5 घंटे जैसे वेट किया, तो एक जो कैब वाले होते हैं वो बॉर्डर पार कराते हैं, तो वो आए मेरे पास और उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, तो मैं लिटरली रो रहा था मतलब, तो मैंने बोला कि मैं आप चले जाओ, ये जाने नहीं दे रहे, तो कह रहे कि आप थोड़ी देर वेट करो, तो मैंने कहा ठीक है, एक होप थी। तो वो गया, हाँ तो वो गया, उसके बाद वो 1.5 घंटे बाद आया, उसने बोला कि आपको ना टैक्सी की पेमेंट करनी पड़ेगी, मैं आपको बॉर्डर पार करा दूँगा। तो लाइफ का फर्स्ट इंसिडेंट था, तो मैं डर डर के मैंने गाड़ी के पीछे से, मतलब जो ट्रक्स आते हैं दूसरी साइड से, उसके पीछे से मैंने झुकके से पार किया, बॉर्डर वाले ने रोका, तो उन्होंने बोला कि गेस्ट है अभी चला जाएगा। फिर वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला कि आपको वो करना पड़ेगा, लाइक कैब करनी पड़ेगी, क्योंकि बस में तो रोक लेंगे, क्योंकि चेकिंग चल रही थी उस टाइम बहुत तगड़ी। तो क्या हुआ कि जब मैंने वो उनके सामने मैंने मतलब मैंने रोने वगैरह स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं पैसे नहीं थे, क्योंकि टैक्सी के पैसे थे 10,000 रुपये, मैंने टोटल 11-12,000 रुपये लेके आया, मैं क्या कर लूँगा। फिर मैं उसके साथ रोया धोया, मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता, इसी मैंने ऑलरेडी इतनी चीज़ सफर करी। तो उन्होंने उसने क्या किया, जो बस होगी पीछे इतनी छोटी सीट होती है, तो उसने मुझे वहाँ बैठा दिया, एक कार्टन इतना बड़ा था मेरा, मैं उसके चिपक रखा था, बट माइंड में बट पता क्या हुआ, उसने मेरे को यही बोला था कि अगर आपको पकड़ लेते तो वो वापस दे देंगे आपको, बंद नहीं करेंगे, बट आप बोलना मत। हाँ बट क्या हुआ, उसने बोला कि आपको बोलना नहीं, मेरे पास नेटवर्क नहीं थे, सब बंद हो जाते हैं, तो वहाँ के ना लोग बात बोल रहे थे नेपाली भाषा में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने कहा मैं बोलूँ क्या। तो जैसे जैसे मैं रस्ते में हर बार डर रहा था, मैंने कहा मुझे निकाल देंगे, जैसे मैं काठमांडू पहुँचता हूँ तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता, फिर सर इंसिडेंट हो जाता, तो उनकी बस में 3-4 घंटे रोक लेते। तो वहाँ जाने के बाद जब वहाँ पे पहुँच जाता हूँ मैं, तो जहाँ पे मैं पहले ही पर होटल पर रुका था वहाँ रुका, तो वहाँ जाके पता चलता है कि 3 दिन का लॉकडाउन है यहाँ पे। मैंने कहा मैं फंस जाऊँगा, आर्टिस्ट अगर टैटू वगैरह नहीं करेंगे। फिर क्या सीन हुआ कि मैं जैसे वहाँ पे मैंने आर्टिस्ट वगैरह अपनी स्टोरी बताई, तो उन्होंने बोला कि अगले दिन ही कर लेते, तुम्हारा बैच भी 10 घंटे का था, एक जो आर्टिस्ट है वहाँ से कंप्लीट हुआ, मेरे बम से टैटू था, बम से टैटू होने के बाद पूरे बैग से लेके बम से टैटू कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि उसी बस में निकल जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो जाए, तो उन्होंने बोला कि सुबह 8 बजे आप आ जाते। जैसे मैं 8 बजे पहुँचता हूँ वहाँ पे, तो क्या सीन होता है कि वो बस वाला था ही, मैं बस स्टैंड गया, बस स्टैंड जाने के बाद मैंने कहा रात को बस जाए, मैंने कहा यार अब क्या करूँगा, फ्रंट साइड कर दूँगा, वहाँ पे जाके मुझे बस ठीक है बैठा दिया, यार चलो यार कम छोड़ देंगे। उसने मुझे कम से कम नहीं तो बॉर्डर से 3-4 किलोमीटर पहले छोड़ दिया, वहाँ से मैं पैदल जा रहा था, बहुत सारा लगेज था मेरे पास। तो उसके बाद मुझे एक अच्छे से अंकल ऑटो वाले अंकल मिले, और मैंने पता लाइफ में उस चीज़ में क्या चीज़ सीखी, नहीं सही, अगर अपॉर्चुनिटी भी ना उसी इंसान को मिलती है जो करना चाहता, अगर मैं नहीं जाता ये चीज़ें नहीं फेस करता तो क्या होता मेरे पास, एक बैक ऑफ का रिग्रेट, ठीक है, जो कि मुझे अपने आप से बात करनी पड़ती है, ऑब्वियसली अपने आप से बात करनी ज़रूरी भी है। तो जैसे मैं वहाँ पर बॉर्डर पर पहुँचता हूँ, बॉर्डर पर पहुँचने के बाद चलती कि सुबह बस जाएगी, मैंने कहा मैं यहाँ से पैदल निकलूँगा, पैदल निकला कम से 1.5 किलोमीटर पैदल निकला, वहाँ से लास्ट बस थी वहाँ की बॉर्डर का, वहाँ की गोरखपुर की ट्रेन, तो मैंने सोचा कि यार वहाँ से बसेस कर लूँगा और उल्टा लेट के चले, क्योंकि मेरा ना बम्स में पेन हो रहा था बहुत बैटरीज की वजह से, क्योंकि बैटरी जाना था 30 घंटे का मेरा ट्रैवल था। फिर उसके बाद वहाँ जाके पता चलता है कि बस मिलती है खटारा, फिर मैंने बोला कि चलो यार 10-12 घंटे, मतलब उन्होंने बोला कि आपके 12 बजे तक सुबह आपको छोड़ देंगे। लाइट वहाँ पे पहुँचने के बाद एक्सीडेंट हो गया, फिर से कम से कम 30-40 किलोमीटर तो फिर घूम के जाना पड़ा। तो फिर देन उसके बाद जब मैं वहाँ पे मतलब पहुँचा जहाँ अनुजार उसके साइड मैं द्वार कर रहता हूँ, तो वहाँ जाने के बाद दिन में घर आया रात के 3 बजे, तो उन सब चीज़ों के बीच में मतलब मेरे अंदर ना एक खुशी थी, पेन तो था ही, उस टाइम का रिग्रेट भी था कि मतलब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, बट मैंने उस टाइम की एक चीज़ फील करी है कि ठीक है यार स्टेप जिंदगी में ना आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, लेने बहुत ज़रूरी है, अगर आपको लाइफ में किसी चीज़ के लिए भी पैशनेट होना, इट्स नॉट अबाउट द टैग, अपने टैगों की तो बात ही नहीं करता, कर लो यार, क्योंकि पता है ज़िंदगी में ये सब चीज़ें ना, क्योंकि प्रॉब्लम जो होती है ना मैंने देखा लाइफ में ज़िंदगी भर रहेंगी, जब तक आप सर्वाइव कर रहे हो आपकी जो चीज़ें होती है ना, लाइक जो आप कर रहे होते हो मूवमेंट्स होती है चीज़ें होती है, वो प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम कर देती है, ख़त्म नहीं करती, कम कर देती है। उस टाइम के बाद में कुछ चीज़ समझ आने लगी कि यार अर्निंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बट एक खुद के लिए ना वो
मतलब जो अब चीज़ कर रहे होना चाहे उसमें पैसा हो ना हो वो तो चीज़ मैटर नहीं करती, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं खुद के लिए। तो ये सब चीज़ें मतलब रही है मेरी लाइफ में और मुझे आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो काउच सर्फिंग बहुत अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म लगा कि लोगों से मिलना, क्योंकि देखो यार हम लोग ही हैं जो लोगों से सीख सकते हैं, उनको ना किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है ना सीखने के लिए तो आप किसी छोटे बंदे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं यही आपको लाइफ में ना आगे बढ़ा। तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो सबको थैंक यू सो मच भाई। टैटू टैटू दिखाने पड़ेंगे। गैस करो एज कितनी एज है भाई इसकी? बैक वाला पहले दिखा। इस वाले बैक पीस के लिए था इंस्टाग्राम आईडी बता दो वहाँ पे। अगर मेरे किसी को सारे टैटूज देखने तो मुझे इंस्टाग्राम पे देख सकता है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है टैटू कलेक्टर सिद्धार्थ या सिद्धार्थ गुसाई नाम से कोई सर्च कर सकता है। और अगर गाइस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे रिव्यू करना है कि आपको कैसा लगा।